हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। सर, जिस तरीके से आज आपने कश्मीर फाइल्स को लेकर के सदन में बात कही कि इसको दूरदर्शन पर और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दिखाना चाहिए लोगों को, हाँ, तो भाजपाई जो है वो ये जवाब दें कि 250 करोड़ रुपये अब तक कमा चुका है वो विवेक अग्निहोत्री, और उससे जब पूछा गया तो उसने कहा 250 रुपये भी दान नहीं दूंगा, उसने कहा मैं धंधा कर रहा हूँ, धंधा करूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स जो है वो सारे हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए, कश्मीर फाइल्स सबको देखना चाहिए। तो इसके लिए टैक्स फ्री करोगे तब भी 150-200 रुपये लगेगा, जहाँ ज़्यादा टिकट है और पैसे लगेंगे, तो फ्री में करो ना, फ्री में दिखाओ उसको, यूट्यूब पे डाल दो, दूरदर्शन पे दिखा दो, 2-3 बार पूरा हिंदुस्तान देख लेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, यह भी सच देश के सामने आना चाहिए। 93 से 98 बीजेपी की गवर्नमेंट रही दिल्ली में, कश्मीरी पंडित टीचर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया, उनको पक्का नहीं किया गया। 98 से 2013 15 साल कांग्रेस रही, कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट नहीं किया गया। 13 के बाद केजरीवाल जी रहे, कश्मीरी पंडित टीचर्स को केजरीवाल जी ने रेगुलराइज किया, पक्का किया, जानते हैं कब से, 1993 के सारे ड्यूज क्लियर करके, एज में रिलैक्सेशन देके, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको परमानेंट करने का काम किया। तो इसलिए ड्रामा करना, नौटंकी करना और काम करना, इसमें बहुत बुनियादी फर्क होता है। कैमरामैन श्री कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।